हम बोलते हैं अरे मूसा नबी ने लाल समुद्र को दो भाग करा, 10 विपत्ति आई, उनके हाथ में इतनी शक्ति थी। अरे तो शक्ति के पीछे का राज भी तो जानो। पतरस पानी पर चला, तो पानी पर चला तो उसका फेथ था, प्रभु यीशु मसीह पतरस के साथ थे। सबसे बड़े भेद की बात हमारे बीच में यही है कि हम सब यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, लेकिन हम में से कितना अपने आप से इनकार करके चल रहे हैं और कितना अपने साथ में अपना क्रूस लेकर के चल रहे हैं। आज चलना हर कोई चाहता है यीशु मसीह के पीछे, सब चलना चाहते हैं, लेकिन अपने आप से इनकार करना कोई नहीं चाहता। सबसे बड़े भेद की बात हमारे बीच में यही है कि हम सब यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, लेकिन हम में से कितना अपने आप से इनकार करके चल रहे हैं और कितना अपने साथ में अपना क्रूस लेकर के चल रहे हैं। अब क्रूस उठाने से यह मतलब नहीं है कि आपको 4 फीट का लकड़ी का क्रूस बनवाना है और उसको उठा के चलना है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि तुम्हें अपना क्रूस उठा के चलना होगा, तो उसके पीछे जरूर कुछ भेद की बातें हैं। यहां पे जो वचन है मत्ती 16:24, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह के पीछे होने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से इनकार करना पड़ेगा, उसके बाद आपका क्रूस उठा के चलना होगा। अब क्रूस उठा के चलने से क्या मतलब है? फिजिकली नहीं है ये, ये आपकी धार्मिकता के तौर पर है, इसे आप आत्मिक जीवन में लेकर के देखिए। जिस जमाने में क्रूस की सजा होती थी, तो जहां पर उस व्यक्ति को क्रूस पर लटकाया जाता था, तो कई देशों में जहां क्रूस की प्रथा होती थी, वहां पर उस क्रूस को, उस व्यक्ति को खुद को तैयार करना होता था। जानते इस बात को आप कि जिस क्रूस पे उस व्यक्ति को लटकाया जाना था, उस क्रूस को वो खुद को, उस व्यक्ति को बनाना पड़ता था। कई देशों में ऐसी प्रथा थी। अब यीशु मसीह के टाइम पे तो ये नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक चीज हम समझ सकते हैं, और यदि अगर आप क्रूस को समझे एक शब्द में, तो क्रूस क्या है? सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस संघर्ष या फिर बलिदान। प्रभु यीशु मसीह जिस क्रूस पे लटका गए वो बलिदान था। अब यहां पे 3 चीजें हैं। सबसे पहली है तुम में इंटरेस्ट है, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो, हाँ। उसके बाद यीशु मसीह 2 कंडीशंस आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अपने आप से इनकार कर दो, उसके बाद अपना क्रूस उठा लो। अब आज क्या हो गया कि आज बहुत सारे मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे तो हो लिए हैं, लेकिन अपना क्रूस नहीं उठाते। जैसा मैंने कहा, सेक्रीफाइस। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। पहला अभिषेक हुआ था 12 चेलों का। यीशु मसीह ने कहा जा करके सारे देश में प्रचार करो, यहूदिया में। पहला अभिषेक था उन पे, चेलों पे। पता है उसके बाद भी यहूदा इस्करियोती धोखा देने वाला हुआ। पतरस उसके बाद भी डर के छिप गया। हम जो लोग हैं ना, हम भी पहले अभिषेक वाले लोग हैं, और हमको लगता है कि हमने वो पा लिया जो सबने पा लिया, लेकिन हम अपना क्रूस लेकर के नहीं चल रहे। यीशु मसीह ने कहा तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, अर्थात संसार
और परमेश्वर। और ये जो वाली जो बात है ना, ये किसी दिखाई पड़ती है कि कोई व्यक्ति दो नाव में खड़ा होकर के सवार हो रहा है। एक इमेजिन करिए, दो छोटी छोटी नाव है और वह व्यक्ति का बड़ा इंटरेस्ट है। एक लाल कलर की नाव है, एक पीले कलर की नाव है। मुझे तो दोनों कलर पसंद है, मैं तो दोनों में सवार होऊंगा। तो वो क्या करता है, एक पांव इस नाव में रख देता है, एक पांव दूसरे में रखता है और नौका चलाने वाले को बोलता है चलाओ। आपको क्या लगता है, जब लहर आएगी तो वो नावें दूर जाएगी, और जब वो नाव दूर जाएगी तो वो व्यक्ति कौन सी नौका में खड़ेगा, कौन सी नौका में खड़े रह सकेगा या कौन सी नौका में गिरेगा? असलियत ये है कि जब वो नावें दूर जाने लगेगी एक दूसरे से, उस व्यक्ति का बैलेंस नहीं बनेगा और वो सीधे पानी में गिर जाएगा। आज हम मसीह लोग जो है, हम भी जब ये संसार का मेल और जहां परमेश्वर की बातों का मेल होता है, तो हम भी वो दो नाव जैसे जैसे दूर जाती जा रही थी। अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है, संडे को चर्च आते हैं, फ्राइडे की मीटिंग करते हैं, उपवास में करते हैं, लेकिन जब हम बाहर कहीं निकलते हैं, बाहर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, तो वहां पे हमारी स्थिति हमें पता चलती है। दो प्रकार के लोग बाइबल में बताए गए हैं, दो प्रकार के सेवक। एक वो है जो धार्मिकता के अनुसार सेवा करता है, आत्मिकता के अनुसार करता है, और एक वो है जिसका काम सिर्फ सेवा करना है। बाइबल के दो लोग, एक तो है एलीशा भविष्यद्वक्ता और है एलीशा का सेवक जिसका नाम था गेजी। अब क्या होता है कि अराम का राजा होता है और अराम के राजा का एक सेनापति होता है, बड़ा प्रतिष्ठित, लेकिन वो एक कोढ़ी व्यक्ति होता है। तो आराम का राजा बोलता है कि अच्छा तू जा, तेरे यहाँ पे जो इजरायली दासी की बेटी रहती है, वो अगर कह रही है कि इजराइल में तेरा कोढ़ अच्छा हो जाएगा तो तू जा, मैं राजा को पत्र लिखता हूँ। इजराइल के राजा को पत्र भेजा गया, इजराइल के राजा कपड़े फाड़ने लगे, अरे मैं कोई परमेश्वर हूं क्या जो इसके पाप क्षमा करूंगा, मैं इसको ठीक करूंगा। तब ये बात एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास जाती है, एलीशा के वहां उसको बुलाया जाता है। अब नामान जो था वो बड़े दलबल के साथ आया था, और नामान क्या करता है, नामान करता यह है कि उसके पास जो धन संपत्ति वो लेकर के आता, अगर मेरा कोढ़ अच्छा हो गया तो ये इसराइल में जो भविष्यद्वक्ता एलीशा, इनको मैं ये दे दूंगा। अब वो नामान कोड़ी आया एलीशा के जहां पर वो थे, उस घर के वहां पर, उसको लगा कि कोई बड़ा व्यक्ति होगा और आएगा मुझसे मिलेगा, ऐसी ऐसी बात करेगा, मेरे सिर पे हाथ रखेगा और बोलेगा हाँ तेरा कोड़ चंगा हो गया हो गया। उन्होंने नामान को बाहर की बाहर बोला, अपने सेवक को बोला जा उसको बोलना कि यर्दन में जाके 7 बार डुबकी मार ले, तू चंगा हो जाएगा। नामान क्रोधित हो गया, इतनी दूर से ट्रेवल करके आया हूँ, इसने मेरी बात सुनी नहीं और बोल रहा है कि वहां जाके, क्या हमारे देश में नदियां कम है? उसके सेवक ने बोला देखो गुरु ने आपको कोई कठिन काम तो दिया नहीं है, ऐसा करो ना जाके डुबकी मार लो। जब वो डुबकी मारता है 7 बार तो वो चंगा हो जाता है। अब नामान बिल्कुल खुश, और नामान बोलता है कि हाँ मैं जान गया हूँ सच्चा परमेश्वर है ये। उसने कहा अब सिर्फ इस परमेश्वर का की उपासना करूंगा मैं। वापस से जैसे निराशा में गया था, अब आनंद से लौटा, और आनंद से लौटा एलीशा के पास आता है। एलीशा को बोलता है प्रभु मैं जान गया हूँ कि सच्चा परमेश्वर जो है वो हमारे लिए आज जिंदा है और काम करता है। वो बोलता है ऐसा करिए, ये जो सामान है ना ये मैं आपके लिए लाया हूं, तकरीबन 4-5 लाख की चीजें होगी नामान के पास, एलीशा को भेंट देने के लिए लाया कि आप ले लो। एलीशा ने कहा नहीं भैया, अभी परमेश्वर मुझे इजाजत नहीं देते, तुम ऐसा करो कि तुम ले जाओ। बोले थोड़ा बहुत कुछ रख लो, एक आध कटोरी चांदी रख लो,
नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं तेरे इसमें से कुछ लूं। अब एलिशा के पास एक सेवक था जिसका नाम था गेजी। अब एलिशा ने बहुत सारे चमत्कार करे, बहुत सारे। ये जो गेजी था ना, ये गेजी एलिशा के बिल्कुल टच में था, उनका सेवक था ये। गेजी देखता था कि ये एलिशा के पास कोई आया है, बड़ा व्यक्ति आया है, ये कैसे चंगा होगा। वो सामने दिखता, उसकी आंखों के सामने ये काम होते, लेकिन पता है गेजी दो नाव में पैर रख के चल रहा था। और उसके सामने जब मौका आया तो उसने क्या करा, उसने संसार की नाव में पैर रख के चलना ज्यादा समझा। वो दो नाव में चल रहा था, एक नाव थी परमेश्वर की, एक नाव थी संसार की। और जब उसको ऐसा लगा कि अरे यार, संसार की नाव में फैसिलिटी ज्यादा अच्छी है, इसमें एसी कूलर पंखे लगे हुए हैं, बढ़िया सी एलईडी लगी हुई है, तो गेजी ने क्या करा, गेजी ने संसार की नाव में पैर रख करके पूरी तरीके से संसारिक रूप में आ गया। क्या हुआ, जब एलिशा के पास वो आया था, नामान कोड़ी, प्रभु इतना ले लो, एलिशा ने कहा नहीं नहीं, परमेश्वर इजाजत नहीं देता। नामन जा रहा है, अभी ये गेजी देख रहा है सारी बात, वो जा रहा है यार, इतना सारा दल बल लेके आया था, मेरे प्रभु को थोड़ा बहुत तो लेना था, एलिशा को थोड़ा बहुत तो लेना था। चुपके से जाता है, इधर एलिशा है, अभी एलिशा का सेवक जो उनके साथ साथ रहता था जा रहा है, वो जा रहा है दूर, पीछे से दौड़ के गया। अरे ऐसा है कि मेरे जो प्रभु है उनके चेलों को थोड़ी आवश्यकता है, तो ऐसा करो कि इतने बर्तन, इतना ये थोड़ा थोड़ा बहुत हमको दे दो। और उसने क्या करा, उसने वो सारी चीजें उससे लेकर के अपने एक घर में रख ली। लेकिन वो जो चीज थी, परमेश्वर की आज्ञा थी कि इस देश की कोई संपत्ति तुमको नहीं लेना। अब गेजी इस बात को समझा नहीं, एलिशा तो अपने उस कमरे में थे, उन्होंने अपनी आत्मिक आंखों से देख लिया कि ये गेजी निकला है और गेजी वहां गया, ऐसी ऐसी बात कर रहा है, इसने ये संपत्ति ली। गेजी जब आया तो उसको बोला, जब तू वहां से गया था और उस नामान को मिला था, तब से लगा करके आपका सारा हाल मुझे मालूम है। तब एलिशा एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं, क्या ये समय दास दासी बनाने का है, क्या ये समय सोना चांदी कमाने का है, क्या ये समय धन बटोरने का है। अब सोचो, इतने बड़े भविष्यद्वक्ता एलिशा के साथ में जो रहता था, एक कंपनी में रहता था, अपनी आंखों के सामने इतने चमत्कार देखता था, वो व्यक्ति तक फिसल गया उस नाव से, तो हम कौन से खेत की मूली है, हाँ? हम कौन है? हमको लगता है कि हमारी जो धार्मिकता है वो अच्छी है, हम जो है ना बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये सारी बातें और भी कई चीजें हुई है जिनकी आंखों के सामने चमत्कार होते थे, लोगों के मन परिवर्तन होते थे, लेकिन वो जो है वो दो प्रकार से जीवन जीते थे। एक तो धार्मिकता का बस्ता लेके चलते थे जिसमें गीत बाइबल होते थे और एक दान की एक छोटी सी जगह, उसके बाद एक बड़ा सा ट्रॉली बैग लेके चलते हैं जिसमें हमारे 6 दिन का सामान होता है। समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से आप मेरी बात। आज मनुष्य संसार में और परमेश्वर में मैनेज क्यों नहीं कर पा रहा? एक व्यक्ति जिसको क्रूस पर लटकाया जाना होता था, उसकी डेस्टिनेशन फिक्स होती थी। देखो, वहां तुम्हारी जेल है, वहां से तुमको लेके आया जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, उसको वहां ले जा करके क्रूस पर टांग देते थे। यीशु मसीह के टाइम भी यही हुआ, उनको जहां पर रखा गया था वहां से गोलगुथा की जगह तक लेके गए, उसको जबरदस्ती घुमाते फिरते नहीं थे।
लेकिन आज क्या है, आज सिर्फ हमारे गले में क्रूस है। क्रूस का मतलब है सेक्रीफाइस, मसीहत के अंदर हमारा सेक्रीफाइस। अब सबसे बड़ी बात कि लोग यीशु के पीछे हो लेना चाहते लेकिन क्रूस उठा लेना नहीं चाहते, अपने आप का इनकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो सेक्रीफाइस है वो बहुत कठिन है। बाइबल इस बात का सबूत देती है कि जिसने जितना बड़ा सेक्रीफाइस करा परमेश्वर ने उसको उतनी बड़ी चीज से नवाजा, उसके जीवन में इतने बड़े बड़े काम हुए। मूसा नबी ने तो बचपन से सेक्रीफाइस करा था। अरे एक इमेजिन करो, एक देश है उसमें छोटे बच्चों को मारने की जो है कि ऐलान हो गया कि छोटे बच्चों को मार दिया जाएगा, उनकी माता ने उनको टोकरी में डाला। तो जब वो फिरौन की बेटी को मिले तो वो रो रहे थे, जब ही तो टोकरी पे नजर गई थी। फिर वो दासी को बोला, तो बचपने से उसके बाद फिरौन के घर में तो पले बड़े, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज जो थी वो उनके जीवन में काम करती थी। अच्छे खासी जिंदगी थी मूसा नबी की। उसके बाद उन्होंने देखा कि अरे मेरे जो लोग हैं उन पर ये मिस्री अत्याचार कर रहे हैं। उसके बाद उसका कत्ल हो गया। उसके बाद मूसा नबी वहां से जंगल में गए। जंगल में कितने साल रहे? 40 साल रहे। एक बियाबान, सीन के जंगल बोलते हैं लोग, जिसे सीने पर्वत बोलते हैं। आपको क्या लगता है वहां पे 10-12 झरने बहते होंगे, कोई बहुत बड़ा नेशनल पार्क होगा, बहुत चिकन मिलते होंगे, हैं? अरे सीने पर्वत के मिघान वाला जो देश जहां पे वो थे उसका इतिहास बताता है कि वो रेगिस्तानी इलाका है। तो मूसा नबी जब वहां पर आते तो वहां याजक थे, याजक की बेटी से विवाह होता उनका, लेकिन फिर भी 40 वर्ष तक एक बड़े संघर्ष में थे वो। और जो 40 वर्षों का संघर्ष उन्होंने करा उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें अपने पर्वत पे बुलाया। हम बोलते हैं अरे मूसा नबी ने लाल समुद्र को दो भाग करा, 10 विपत्ति आई, उनके हाथ में इतनी शक्ति थी। अरे तो शक्ति के पीछे का राज भी तो जानो। पतरस पानी पर चला, तो पानी पर चला तो उसका फेथ था। प्रभु यीशु मसीह पतरस के साथ थे। आज कई एक लोगों की न्यूज़ आती है यूट्यूब पे कि बावलेपन में आकर के वो भी पानी पर चलने लगे। अब पानी पर चलने का कोई सेंस है क्या? बहुत सारे किस्से होते हैं जो मसीहत से खिलवाड़ की बात बताते हैं। एक और व्यक्ति था जिसके जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी, उनका नाम था यूसुफ। और यूसुफ के और भी भाई थे। 17 वर्ष की आयु में यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को गुलामी में बेच दिया इस्माइलियों के हाथ। यूसुफ को वो लोग ले गए मिस्र, और वहां पर 13 वर्ष तक यूसुफ ने बहुत सेक्रीफाइस करा। और सबसे बड़ा सबूत बाइबल का बताता है कि अपने आप से इनकार व्यक्ति कैसे कर सकता है, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को कैसे त्याग सकता है। वो सबसे बड़ा उदाहरण यूसुफ का है कि यूसुफ को जब परमेश्वर ने चुना तो यूसुफ ने भी परमेश्वर का हाथ थामे रखा। 13 वर्ष तक यूसुफ बड़े परिश्रम में थे, बहुत परिश्रम में। एक बार वहां के फिरौन की पत्नी ने बोला, तू मेरे साथ व्यभिचार कर ले, लेकिन उन्होंने जवानी की अभिलाषा या अपनी उम्र की अभिलाषा को नहीं देखा, वो वहां से भाग गए। आज जवानों के पास अवसर है कि जब जवान इस सांसारिक अभिलाषा में फंसे तो वहां से भाग जाए। कोई सी भी चीज हो, यदि अगर आपको उकसाया जा रहा है तो वहां से भाग जाओ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मेरे दोस्त लोग मुझे उकसाते थे तो मैं वहां से फटाक से बैग वैग पैक करके निकल लेता था। ये मेरे कॉलेज की बात है।
जब तक आप अपने आप का इनकार ना करोगे ना, तब तक आप पूरी तरीके से नहीं हो पाओगे। हमको ना भरोसा जीतना पड़ेगा, अपने आप का भी, पवित्र आत्मा का भी और परमेश्वर का भी। और परमेश्वर का भरोसा जीतना इतना आसान नहीं है। कई एक चेले थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का भरोसा जीता। हम वो कोरस है ना, मैं चलने लगा यीशु के पीछे, मैं चलने लगा, कहते हैं। आज हम जो सब लोग आए हुए हैं, हम यीशु के पीछे ही तो हो लिए हैं। लेकिन डिसाइपलनेस का सबसे बड़ा नियम है, आज जानते हैं, आज लोग सेवक बने हुए हैं सिर्फ, लेकिन चेला कोई नहीं बनता। चेले की क्वालिटी क्या होती है कि चेला जो है वो अपने आप का इनकार करता है, उसके बाद अपना क्रूस उठाता है, उसके बाद यीशु के पीछे हो लेता है। कितने चेले थे? 12। हाँ, वो यहूदा इस्करियोती बाद में उसका भी रिप्लेसमेंट हो गया। यहूदा इस्करियोती एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए कि हम बपतिस्मा कन्फर्मेशन से कितने दूर ट्रेवल कर सकते हैं, कितने दूर। मात्र 30 चांदी के सिक्कों में सौदा हो गया। वो तो खैर उसके मन में शैतान बस गया था। यीशु मसीह ने एक बात बताई थी, जो आपके क्रूस, जब आप चाहते हो ना कि आप क्रूस उठाओ, प्रभु हम चाहते कि हम आपके पीछे हो लिए, हमारे जीवन के जो सेक्रीफाइस है उन सबको हम करने के लिए तैयार है, हम हमारी सांसारिक अभिलाषाओं को त्यागने के लिए तैयार है, हम में जो लत है प्रभु, हम ड्रग्स लेने की लत है तो ड्रग्स लेने वाला सोचता है प्रभु ठीक है आपके लिए इसको छोड़ देते हैं, जिनको शराब पीने की लत है प्रभु ठीक है हम इसको आपके लिए त्याग देते हैं। लेकिन जब ये वचन आपके मन में चल रहा होता है, जब आप चाहते हो कि अपने आप का इनकार करो, ये आपकी प्रार्थना के अंदर की आत्मिक संसार की बात बता रहा हूं। जिस पल आप डिसीजन लेते हो कि हम दृढ़ निश्चय करते हैं, दृढ़ निश्चय मतलब कि पक्के में पक्का। एक दृष्टांत यीशु मसीह ने सुनाया था, बीज वाला, एक बोने वाला बीज बोने चला। उसमें क्या होता है, कुछ मार्ग के किनारे जाते हैं और वहां पर पक्षी आकर के चुग के ले जाता है उसका। उसका भेद यीशु मसीह ने बताया कि जब वचन मनुष्यों के अंदर बोया जाता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो आपको या तो उबासी आ रही होगी या आपको जो भी हो रहा होगा डिस्ट्रैक्शन, अलग प्रकार का डिस्ट्रैक्शन। उसका भेद यह है कि जो मार्ग के किनारे गिरा था, पक्षी आके उसको खा के चले गया, वैसे ही शैतान जब वचन बोया जाता है तो मनुष्यों के मन में आकर के उस वचन को उठा के ले जाता है। जब आप दृढ़ निश्चय करोगे कि प्रभु आपके पीछे हो लिया हूं और आपका वचन बताता है कि ये आत्मा का फल है और ये वो ब्लैंक लाइन है जो अभी तक हम अपने जीवन में करते आए हैं, तंबाकू खाना छोड़ना चाहता हूं और जो भी चीजें हैं। अब आपने दृढ़ निश्चय करा है कि आप अपने आप का इनकार करें। अपने आप का इनकार मतलब कि ऐसा नहीं कि मेरा नाम दीप्तेश धुलियानी है तो यह मैंने इनकार कर दिया। अरे, अपने आप का इनकार मतलब हमारी शारीरिक अभिलाषाओं का इनकार करना जो हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो देखिए, जो वचन निकलने वाली चीज है वो नजर अंदाज करने वाली बात है, वो हर व्यक्ति के साथ होती है कि वचन सुनाया जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, देखते थे प्रभु प्रार्थना करने गए हैं तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता क्या कि हम भी प्रार्थना करें? सोचा क्या किसी ने? लेकिन उनके सीखने का टाइम था। हम
जो बॉर्न क्रिश्चियन है हम सीख चुके हैं, लेकिन एक बात जो आड़े आती है वो आती है शैतानी शक्ति क्रूस उठाने, अपने आप से इनकार करने में। तो उसका केवल एक इलाज है, सिर्फ एक इलाज। मेरे जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं। घुटने टेक के प्रार्थना करो, प्रार्थना का विषय रखो, आज के दिन से ये लत यीशु मसीह नासरी के नाम से चली जाए। जो लोग उपवास रखते होंगे वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात को समझते होंगे कि अपने आप का जब हम इनकार कर रहे हैं, अगर हम दिन भर भूखे रह रहे हैं, अर्थात हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को त्याग रहे हैं, तो जानते हो आपको भूख नहीं लगती, एक परमेश्वर का एक सपोर्ट आता है आपके लिए, वो स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करते हैं। जब यीशु मसीह जंगल में थे, जब प्रभु यीशु मसीह शारीरिक दशा से उस आत्मिक दशा में एंटर कर रहे थे, तो स्वर्गदूत उनकी सेवा करते थे। आज भी जो लोग चाह रहे हैं कि हम इंटर करें, तो यदि अगर आप प्रार्थना के साथ सेफ जोन में, सेफ जोन होता है किसी चीज को त्यागने का, किसी व्यक्ति को अगर शराब की लत है ना, बड़े बुजुर्ग ऐसे बोल के गए हैं, एक प्रचारक के द्वारा मैंने सुना था कि जवानी में शराबी शराब को पीता है, फिर बूढ़ा होने पर वो दुष्टात्मा जो शराब के द्वारा अंदर आ गई है वो फिर शराब पीती है। अंत में एक रहस्य की बात बताना चाहूंगा कि जब आप सपने में होते हो, जब आप सो रहे होते हो, तब दुष्ट आत्मा सबसे ज्यादा एक्टिव होके आपके जीवन में प्रवेश करना चाहती है, क्योंकि तब आप जो है कि आप जागरूकता के उसमें नहीं हो, तो शैतान को सबसे बड़ा मौका मिलता है। और जब हम किसी गलत काम में होते हैं, जैसे एक ही बात बार बार सामने आ रही है, हम शराब के नशे में होते हैं तो हमको ध्यान नहीं होता, जो शराब का नशा करते हैं भयंकर होते हैं, तो कभी उसके लिए स्पीड कम हो जाती, कभी टाइम चेंज हो जाता, कहीं आसमान में उड़ता हुआ व्यक्ति दिखता है, कबूतर उसको शेर के समान दिखते हैं। ये क्यों होता भाई? क्योंकि वो होश में नहीं है, और जो व्यक्ति होश में नहीं होता दुष्टात्मा उसके जीवन में प्रवेश करती है, और उसके बाद दुष्टात्मा उससे अच्छे अच्छे डिस्को करवाती है, अच्छे अच्छे डिस्को। मैं पहले कह चुका हूं कि रास्ते चलते हुए बेकार व्यक्ति की परवाह शैतान कभी नहीं करता, शैतान का इंटरेस्ट तो आप लोगों में है, क्योंकि आप जो हो ना, ऐसा लिखा गया है कि आप शैतान के गढ़ों को ढा दोगे, शैतान के घर को आप डिस्टर्ब करोगे, तो उसको तो तकलीफ होगी ना, और आप तो एक स्टेप और आगे लेना चाहते हो, तो आपके जीवन में क्यों इंटरेस्ट नहीं जताएगा? मैं देखता हूं प्रार्थना में कि बहुत सारे लोग दृढ़ निश्चय करते हैं, रो रो के प्रार्थना भी करते हैं अपनी कलीसिया में, एक दिन दो दिन, लेकिन उसके बाद जब पक्के में पक्की वो बात आती है ना, तो शैतान काम करता है, वो करने ही नहीं देता उन चीजों को। तो यीशु मसीह ने कहा, देखो तुम मेरे पीछे हो लिए हो, जो मेरे पीछे होना चाहता है वो अपने आप का इनकार कर दो। तो तुम पहले इनकार कर दोगे तो शैतान तुम्हारे शरीर को यूज ही नहीं करेगा। जानते हो शैतान आपके शरीर का यूज कर सकता है, आपकी आत्मा का यूज नहीं कर सकता।